नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साधन कुमार और आप देख रहे हैं YouTube चैनल समझ आया क्या। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक बिना आपका वक्त जाया किए हुए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि जो स्वच्छ भारत अभियान हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने स्टार्ट किया है, शुरू किया है, आप उसका लाभ कैसे उठा सकते हैं, उसके लिए कैसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और उसका जो बेनिफिट होगा वो आपको कैसे मिलेगा। चलिए सबसे पहले आपको सर्च करना है स्वच्छ भारत अभियान अर्बन, ठीक है। ये देखिए, अब ये वेबसाइट है एक www.swachbharatarban.in, ठीक है। ये वाली वेबसाइट को आपको ओपन करना है। इसे ओपन करने के बाद आपके सामने एक पेज ओपन होगा। रुक जाइए, ये अभी लोड हो रहा है, इसे होने दीजिए। तो ये देखिए, ये हो गया है। उसके बाद आपको पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे नंबर पे एक दिख रहा होगा हाउस होल्ड एंड सिटीजन। हो सकता है ये आगे पीछे हो जाए, लेकिन आप ध्यान रखिएगा हाउस होल्ड एंड सिटीजन। उसके नीचे ये देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर IHHL, इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद ये कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा। ये आपको यहाँ पे राइट साइड पे आपको मांग रहा है लॉग इन आईडी पासवर्ड, लेकिन ये हमारे पास नहीं है। नए यूजर के लिए, नए लोगों के लिए आपको ये देखिए न्यू एप्लीकेंट का ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। चलिए, तो ये यहाँ पे अब आपसे डिटेल मांगेगा, तो यहाँ पे आपको डिटेल देनी है। चलिए मैं ये डिटेल दे देता हूं। उसके बाद ये मोबाइल नंबर है, ठीक है, ये मैंने दे दिया। उसके बाद ये ईमेल आईडी मुझसे मांग रहा है, उसके बाद ये एड्रेस है। तो मैं सिंपल एक एड्रेस लिख रहा हूँ, लेकिन आप कंप्लीट अपना एड्रेस जरूर लिखिएगा, ठीक है, मैं आपको सिर्फ बताने के लिए कर रहा हूँ। उसके बाद ये मैंने आईडी टाइप, आपके पास जो भी आईडी है, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, जो भी है वो आप दे दीजिएगा। उसके बाद ये आईडी नंबर पूछ रहा है मुझसे, चलिए ये मैंने दे दिया। उसके बाद 1 MY 2 S और ये 4, ठीक है, ये मैंने यहां से देख लिया और इसको कर दिया रजिस्टर्ड। रजिस्टर के बाद ये वैलिडेशन कुछ एरर दे रहा है, कोई बात नहीं, आप इसको एक बार रिफ्रेश करके देख लीजिएगा, तो ये अपने आप ही खुल जाएगा। ये देखिए, अब रिफ्रेश के बाद ये देखिए मेरी आईडी जो है वो बनके तैयार हो चुकी है, ठीक है, लेकिन मैं ये आईडी यूज नहीं करूंगा क्योंकि मैं पहले से रजिस्टर्ड हूं, ठीक है। तो आपको अब क्या करना है, इसके बाद जैसे ही ये चीज आती है तो आपको क्या होता है, आपके नंबर पे एक ईमेल आईडी आती है, ये नंबर भी सेंड हो जाएगा और पासवर्ड भी आपके नंबर पे ही आ जाएगा। तो दोस्तों उसके बाद कुछ आपको क्या है, जब वो आईडी आपके पास मिल जाए, पासवर्ड मिल जाए आपके मोबाइल नंबर पे, तो फिर आप दोबारा से इस पेज पे आ जाइएगा और यहाँ पे अपनी जो आईडी होगी उसे डालिए और यहाँ पे एक बार लॉग इन करके जरूर देखिए। ये मैं कर देता हूँ लॉग इन। तो ये देखिए, ये पेज ओपन हो गया है, लेकिन आप जब फर्स्ट टाइम लॉग इन करेंगे तो आपको कुछ ना यहाँ पे न्यू पासवर्ड और पुराने पासवर्ड का ये मांगेगा, तो आप एक बार उसे रिसेट करके दोबारा से लॉग इन कर लीजिएगा, फिर आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा। उसके तो यहाँ पे अपना जियोग्राफिकल जो आपका एरिया होगा वो बताइए। देखिए यहाँ पे ये है मेरा एड्रेस जम्मू, और उसके बाद ये अर्बन नेम पूछ रहा है, तो चलिए मैं ये जम्मू कैंट सीबी दे देता हूँ। उसके बाद ये वार्ड नंबर पूछ रहा है मुझसे, तो यहाँ पे अभी ये अपडेट नहीं हुआ है उस वजह से, तो कोई बात नहीं, मैं इसको कोशिश करता हूँ अगर चेंज होके। तो ये देखिए अब मेरे पास आ गया है। तो चलिए इसी तरह बस आपने फॉर्म को फिल करना है, जैसे ये न्यू एप्लीकेंट, तो अपना नाम लिखिए यहाँ पे, ठीक है, जेंडर बताइए मेल फीमेल कौन सा है, उसके बाद मोबाइल नंबर, फादर नेम, हस्बैंड नेम, जो भी है, रेजिडेंटल एड्रेस, जो आपका एड्रेस है कंप्लीट जो डॉक्यूमेंट पे है वही बताइएगा, ठीक है। उसके बाद ये आधार कार्ड ट्रांसफर, ठीक है, आधार कार्ड आपके पास है या नहीं वो बताइए यहाँ पे यस या नो करके। अगर नो करेंगे तो फिर एनरोलमेंट स्लिप आपको देनी पड़ेगी, यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद ये रहा, देखिए डू यू वांट टू अवेलेबल बल्क कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट बाय द यूएलबी थ्रू कॉन्ट्रैक्टर, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आपको बल्क में कंस्ट्रक्शन चाहिए या नहीं, तो आप यहाँ पे यस नो करके बता दीजिएगा। उसके बाद ये अपनी बैंक की डिटेल है जो आपको कंप्लीट यहाँ पे देनी है IFSC कोड के साथ, ये आपको अपने आपके बैंक वाले बता देंगे IFSC कोड, या फिर आप गूगल पे भी अपने बैंक का नाम लिख के IFSC कोड सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद ये आपको पासबुक फर्स्ट पेज स्कैन कॉपी देनी है यहाँ पे, जिसकी आपकी फोटोग्राफ होता है और डिटेल दी होती है बैंक अकाउंट की। उसके बाद ये फोटोग्राफ एप्लीकेंट, यानी कि जिसके नाम से आप ये लेना चाहते हैं
एप्लीकेट अप्लाई करना चाहता है उसकी फोटो अपलोड कीजिए, एग्री कीजिए और अप्लाई कर दीजिएगा। तो दोस्तों ये डिटेल आपको सारी फिल करने के बाद आपका फॉर्म जो है वो कंफर्म हो जाएगा, आपको मैसेज जो है वो आपके नंबर पे आ जाएगा और उसके बाद ये आपको खुद कॉन्टेक्ट करेंगे या फिर आपके बैंक अकाउंट में जिस तरह से भी इन्होंने करना होगा कंफर्मेशन के बाद एक्शन ही ले लेंगे। तो इस तरह से आप इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे हुए अपने मोबाइल या लैपटॉप से। तो आई होप गाइस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद जरूर मिली गई होगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। समझ आया क्या?